Yes, good morning to all the students of class 7th. In this video, we will discuss the other important question of chapter number 1, nutrition in plants. And today's topic is cell. So students, I will discuss the important questions related to this topic cell in this video. Understand all the questions carefully. First question is what is cell? Cell kya hai? Koshika kya hai? A cell is the smallest basic unit of life that is responsible for all life processes. Koshika एक सबसे छोटी या एक सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है किसकी? लाइफ की, जो कि क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए. और आप इसकी जगह पे जो दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं सेल की? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है सभी लिविंग बींग्स में जो पाई जाती है, दैट इज नोन एज सेल. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स? सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल. इज इट क्लियर? Now next question is what is prokaryotic cell? Prokaryotic cell kya hai? The prokaryotic cell is a primitive type of cell that is categorized by the absence of nucleus. Prokaryotic cell ek cell ka type hai jo ki kis tarike se aap categorize karte hain ki uske andar nucleus nahi hota. There is absence of nucleus. So those cells in which the nucleus is absent, then those types of cells are called prokaryotic cell. Prokaryotes do not possess membrane bound cellular organelles. दूसरी चीज़ क्या है students? कि ये जो prokaryotes होते हैं इनके अंदर membrane bound cellular organelles नहीं होते. Prokaryotes are exclusively unicellular. जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सभी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय सजीव, यानी कि इनके अंदर केवल वन सेल इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में केवल एक ही सेल पाया जाता है, दोज आर रेफर्ड टू एज प्रोकैरियोट्स. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट पजेस अ ट्रू न्यूक्लियस अलोंग विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है अलोंग विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं. यूकैरियोट्स आर कैन ईदर बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो यूकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब उनके अंदर वन सेल उनकी बॉडी में पाया जाता है, तो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं. मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर. ओके, तो ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें जो यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं, दोज आर नोन एज यूकैरियोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? गिव एग्जांपल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं.
द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेल होता है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव एग्जांपल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या मतलब है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इनके सबसे बढ़िया एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सभी क्या हैं? आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब कुछ अदर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सेल से मैंने रिलेटेड इसमें लिख रखे हैं कि इस सेल टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं इस चैप्टर में। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या है? द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल यानी कि जो कोशिका है वो एक पतली सी आउटर बाउंड्री से घिरी हुई होती है एंड दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को? कोशिका झिल्ली। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया। उसके आगे देखिए, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, जो न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सेल टॉपिक से रिलेटेड, ये देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस से घिरा हुआ होता है और उसी को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन क्या मैंने रेज किया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? गार्ड सेल स्टूडेंट्स, आपने बुक में जब आप चैप्टर रीड कर रहे होंगे तो उस टाइम आपने एक शब्द सुना होगा, गार्ड सेल। गार्ड सेल आपके स्टोमेटा में पाए जाते हैं, स्टोमेटा के चारों तरफ पाए जाते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज गार्ड सेल्स? दे हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। देखिए ये क्या करते हैं, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है उसको क्या करने का काम करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, जब आपका जो स्टोमेटा है वो खुलता है और बंद होता है। इसके बाद में लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज गार्ड सेल? गार्ड सेल आखिर है क्या? गार्ड सेल्स आर द किडनी शेप्ड सेल्स दैट सराउंड्स द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स आपके क्या होते हैं? किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा के चारों तरफ पाए जाते हैं। किडनी की जैसे किडनी होती है तो उसी शेप में ये दिखाई देते हैं, उसी शेप के ये, उसी आकार के ये दिखाई देते हैं और ये स्टोमेटा के चारों तरफ पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन अगर आपको सेल से रिलेटेड आपके दिमाग में आता है या आप उस पर कुछ रिसर्च करते हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है सेल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई योर आंसर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।